परमेश्वर नानक नाम त्याया नव निध सिद्ध रिद्ध दिनी करते टूट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई ने कुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठना ठेन दुखड़ा नेड़ा आया सांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तेरे किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकार राम गुण गाए गोविंद अनंत उपजे साधे संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन गिरया महानिर्मल चारा पतता पावन वेद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करीज राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दीज राम नाम दीज दान की जब बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम से ती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक ऐश पुन्नी पेख दर्शन जीजै जिस प्रीत लागी नाम से ती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक ऐश पुन्नी पेख दर्शन जीजै वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम बोले सो निहाल 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 सो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साड़ी यह छोटी जी बेनती स्वीकार करदिया होया गुरु घर वालों ये बख्शिश प्राप्त की हूँ मैं बेनती करांगा बहुत ही अदभुत सत्कार सहित भाई साहब भाई गुरभेज सिंह जी खालसा वो कुछ मिनटों वास्ते आप जी दे नाल विचार सांझे करनगे सारे ही कीर्तनी जितने बेनती है कि वह स्टेज के लागे आने का यतन कर गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सब तो पहले उस प्यारे वीर उस गुरु पिता दे जोदे
दे वास्ते सतगुरु के चरणों सब मिल के सीस झुका के जोधड़ी करिए। हे पिता जीओ दया करियो, रहमत करियो, जीवन सफल करियो, होइयां भुल्लां बख्श लियो। ते हे सतगुरु पिता सानू भी सबना नू अपने रंग दे विच अपने मार्ग दे विच चलण दी समर्था बख्शियो। आओ उस प्यारे दे चर प्यारे दे रंग दे विच सतगुरु दे चरणां दे विच सतगुरु नू कूक करिए, पुकार करिए। हे पिता जीओ रहमत करियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे पिता जी। हे सबना दे पालक, हे सबना दे कालक, हे सबना नू सवासे बख्शन वाले, हे सबदा नू दिला दियां धड़कना बख्शन वाले, हे सबना नू गल ला के परवरिश करन वाले धन धन गुरु ग्रंथ साहब जीओ, सब तो पहले आप जी नू नमस्कार। आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, आप जी दे सोने चरना अंदर, आप जी दे प्यारे दरबार अंदर आ जुड़ी आप जी दा ये करंग। गुरु रूप सा संग जीओ, आओ प्यारे दे चरना च सीस निवा के सतगुरु दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाउणा जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की। ऐसो एह संसार बेखना, रहन ना को पई है रे। सूदे सूदे रेग चलो तुम, नतर को तक्का दवई है रे। बारे बूढ़े तरने पैया, सब हूं जम लै जई है रे। ए जन्म मौत ते एक खेल है सतगुरु दा, आप पसरिया इन आप ए रंग रच के बैठा है। ते सतगुरु ने कहा सी कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। ए झूठ है, ए ते एक खेल है बस खेडन वाला। जे सच जानिए ना ते मौत बहुत सोहनी चीज है, बहुत सुंदर चीज है। असी डर जाने अपने स्वार्था करके, अपने मतलबा करके बस। जे सच जानिए ते जेड़ा जन्म है वो उस तो विछोड़े का प्रतीक है। कोई विछड़िया है उस तो, अजे मिलाप नहीं होया। मौत जेड़ा है वापस घर जाने का प्रतीक है।
पर असी गुरु पिता की सिखी नू जेड़ा है ना वो इस गुरु तो नहीं जानिया, असी आसे पासे दे लोकां तो जानिया है। जिथे मर्ग हुंदी है ते सब ही रोंदे ने। सतगुरु कहिंदे सी कि मेरे मगरों कोई रोयो ना कीर्तन करे। रोना क्यों है? उहदी इक अगम दी खेड है, वह अगम पंजा तत्तां नू धारण करदा है, पसरदा है, किते मां बन जांदा है, किते पिता बन जांदा है, किते भाई बन जांदा है, किते बच्चा बन जांदा है, किते फुल बन के खिड़दा है। ये बेअंत रंगा नू रचदा है वह साहिब जिहड़ा है। उस प्यारे तो बलहारे जाना चाहिए। ते प्यारे वीर ने जिस जुझारूपण दे नाल, जिस जोधापण दे नाल इस जीवन की आहुति दिती है ना, ये जीवन जो उसे साहिब तो आया है, वापस उहदी रचना तो बलहार किया है ना, ये बहुत सुंदर चीज है। जिस दिन सानू इहदी सुंदरता समझ आई उस दिन यह भी समझ आ जाना कि सतगुरु साहबजादे के शहीद होने पर खुशी क्यों प्रगट करते हैं, पंज जकारे क्यों छड़ते हैं। गुरसिखां दे विच रोने धोने नहीं होंदे, इत्थे सदा चढ़दी कला चले। इत्थे बंद बंद कटाउण लगे भी बंद कट्टण वाले नू दसदे ने इत्थों नहीं कट्टणे, इत्थों कट, तू सही नहीं कट रहा। ये खूबसूरती है कुरबानी। उस परमात्मा का शिखर का रंग है। सूरज दे विच अपने आप नू कुरबान कर रहा है, फसलों दे विच कुरबान कर रहा है, तां ते आप सभना की परवरिश हो रही है, पालना हो रही है। फलों दे विच, फुलां दे विच, सभना दे विच अपने आप नू कुरबान कर जांदा है। कुरबानी उहदा बहुत शिखर का रंग है, बहुत प्यारा है। ते जदों जदों तुसी अपने प्यारे दे गुण धारण करदे हो, गुणी निधान नू उस गुरु ग्रंथ साहिब जी नू अपने हिरदे अंदर बिठाउंदे हो ना, ते उहदे गुण तुहाडे च समाउणे शुरू करदे, तुसी उहदे वर्गे होणे शुरू हुंदे। वेखो असी सारे गुरसिख रोज नितनेम करदे हां, रोज पढ़ते हैं कि बलहारी कुदरत वसिया, हे कुदरत दे विच वसे हुए मेरे साहेबा, मैं तेरे तो बलहार जाना है, कुरबान जाना है। असी कई बार गाने हाँ, वार ने बलहार ने लख बरिया, एक बारी नहीं लखा बारी तेरे तो बलहार जाने। बलहारी कुदरत ते सब गा रहे ने, पर यह बलहार जाना किसी विरले नू नसीब हुंदा। ये खुशकिस्मती है, अभागापन नहीं है, ये खुशकिस्मती है किसी विरले नू सतगुरु बख्शदे ने कुरबान होना। इस करके ते जेडे जोधे कुरबान होंदे तुसी उन्हां दियां वारां गाउंदे हो, उन्हां दे अगे सीस चकाउंदे हो, उन्हां नू अपने जिंदगी दा रोल मॉडल मनदे हो। कोई अपने गुरु वांगू, कोई चले ते सही उस दे मार्ग ते, ते सवास सवास उहदी रचना ते जिहड़ा है कुरबान कर दे। जिंदगी है कि जिंदगी की खेड ते इन्नी की है कि उस प्यारे नू याद करना है, उन्नू फुल्लां चो मनना है, ते कहना है तू वाहगुरु है, ते गाउणा है कि तेरे वर्गा कोई नहीं। अपने बच्चे चो, पत्नी चो, मां चो, पिता चो, सभना चो उस प्यारे दे रंग नू मनना है, ते उस तो कुरबान जाना है, ते कुरबान जाने लई उहदी सेवा च उतर जाना है। कुछ शाणी सही कुरबानी दे, पर जिस वीर दी याद विच तुसी सारे इकत्र होए, उहनू नसीब होए, भागां वाला होएगा कि परमात्मा दा शिखर दा रंग जिहड़ा है उहदी चोली पिया। सानू रोज कई साल हो गए रहिरा साहिब च पढ़दिआं बलहारी कुदरत वसिआ, नसीब नहीं हुंदा, इदां ही चली जांदे। कोई हार्ट अटैक ना मर गया, कोई शराब ना मर गया, किसी दियां किडनियां फेल हो गईयां, कोई लड़के जहर खा गया, इदां ही कोई रंदा खुलदा जिहड़ा है उदां ही मर मुर जांदा। पर प्यारे दे रंग दे विच जाना ये खुश नसीबी है। थोड़ा जिहा उस प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को बैठिया करो, एक ही जोधरी है, एक ते सारे आए हो, एक ते फॉरमैलिटियां ना करिया करिए। आप जी आए हो, जरूर बहुतियां दे अंदर दर्द होएगा, पर हाडे समाज दा वेखो एक एक चीज गुरु पिता ने बड़ी खूबसूरत बख्शी है। फतेह बुलाउने हैं ना,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਜਣ ਡਏ ਆ, ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਏ, ਆਪਣਾ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾਪਨ ਲਿਆਈਏ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇਹਮ ਬਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੇਖੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਉਡੀਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਸੀ ਕੜੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਪਕੜ ਲੈਣੀ, ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਤਸਵ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ
कूक करिए हे एक पिता जीओ, सानू नहीं अपने एक दे विच समा लई, असी भटकदे ना रहीए। दो मिनट लई एक ओंकार दा जाप करना, फिर समाप्ति है। सतगुरु सबना ते मेर भरिया हथ रख। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक रहमत दे दाते, हे सबना च प्रकाशमान, हे गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, दया करियो, सबना ते मेर प्रिया हथ रखियो, सानू सबना नू आप बां पकड़ के चलायो, अपने दर्शन दे दारे छेती छेती बख्शियो सतगुरु। हे पिता जीओ, उस प्यारे वीर दियां बेंत भुल्लां हो गई हुण गईयां, आप जी बख्श लैना, आप जी गल ना ला लैना, इहो ही सतगुरु आप जी के चरणों च जोदड़ीए। सारे परिवार असी एकत्र हो के उस वीर दे वास्ते जोदड़ी करन आए हाँ। हे सतगुरु, भुल्लां बख्श के अपने च समा लियो, अपना रंग बना लियो। हे पिता जीओ, रहमतां वरसायो, रहमतां वरसायो, कोट भुल्लां दी खिमा, आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की। गुरु जी कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरा मन आनंद मरनी ही ते पाइए, पूर्ण परमानंद जुगाद सच है भी सच।
Satnam Vaheguru.